बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होम टाउन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद शबाज हाज़र एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा बैरिया स्पोर्ट सिटी विलास के हवाले से। बैरिया स्पोर्ट सिटी विलास जो कि 4 बेडरूम अकोमोडेशन और बहुत कुशादा कमरे और एक स्टाइलिश किचन, मीन के यहाँ पे सेम लाइक दैट जिस तरह वेस्टर्न या अदर कंट्रीज़ के अंदर हमें घर देखने को मिलते हैं, सेम लाइक दैट हमें यहाँ पे घर देखने को मिलते हैं। बहुत आउट क्लास लोकेशन के ऊपर ये वाले विलास बने हुए हैं। इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट मीन के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बाकी ऑलमोस्ट वेरियस स्पोर्ट्स सिटी के जितना भी एरिया था, जितने भी फेजेस थे, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डेवलप हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। हम यहाँ पे विला लेने के बाद रिहाइश कर सकते हैं, या जिनके विलाज हैं वो स्ट्रीट 43, 44, 45 इस तरह की स्ट्रीट हैं 5-7, उन स्ट्रीट के अलावा वो फौरी तौर पे वहाँ पे रिहाइश रख सकते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर अपडेट करूँगा प्राइस के हवाले से, सराउंडिंग के हवाले से। ये सारी चीज़ें वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे। इन्वेस्टर हजरात के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है अगर वो आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सेलर अपॉर्चुनिटी क्या है अगर वो इसको होल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये वाली मेरी जो वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही एक शानदार इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट लेता हूँ लोकेशन के हवाले से, सरोनी के हवाले से। तो इसकी लोकेशन आलमोस्ट रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को ये फेस करता हुआ ये वाला प्रीसेंट है। इसका नाम ही रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट सिटी विलास रखा गया। यहाँ पे बैरी होम्स जो बना के दिए गए इसके साथ, हालांकि प्रीसेंट 31 के विलास हैं, लेकिन उनको प्रीसेंट 31 के विलास हम बोल सकते हैं, बैरी होम्स बोल सकते हैं। इनको स्पोर्ट सिटी का नाम दिया गया, तो ख़ास तौर पर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ जुड़ते हुए ये विलास हैं, इसी वजह से यहाँ पे इनको बैरिया स्पोर्ट सिटी विलास के नाम से हम देखते हैं। इसके सराउंडिंग में मज़ीद प्रीसन 31 जिस तरह ऑलरेडी आपको बताया, एफल टावर प्रीसन 37 के अंदर लोकेटेड है, प्रीसन 34, प्रीसन 32 ये सारे प्रीसेंट इसके सराउंडिंग में आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट इसका डिस्टेंस मेन गेट से जो बनता है वो 18 किलोमीटर बनता है। जैसे ही हम इंटर होते हैं मेजना के ऊपर हम ट्रैवल करते हैं, तो 18 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन की थी अपने गाड़ी को ड्राइव करते हुए, तो तकरीबन 18 किलोमीटर ऑलमोस्ट बन रहा था इसका डिस्टेंस। तो जब हम बैरिया के अंदर इंटर होते हैं तो इतनी कुशादा अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें हैं कि हमें सफ़र का पता ही नहीं चलता, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इतनी शानदार सड़कें, इतना वसी रेंज और इतना उन्होंने कुशादा रोड बनाया, मीन के 400 फीट वाइड रोड है। इतनी हमारी पाकिस्तान के अंदर मोटरवे नहीं है जितना कुशादा यहाँ पे इन्होंने मेजन एवेन्यू जो कि 400 फीट वाइड रोड है। एक साइड पे हमें तकरीबन को 6 लाइंस मिलती हैं जो हम ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, दूसरी साइड पर भी इसी तरह। फिर इसके अलावा सर्विस रोड मीन के बहुत आउट क्लास इस सोसाइटी को मेनटेन किया है बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने। लोकेशन के हवाले से अपडेट किया, अब आपको अपडेट करूंगा इसकी प्राइसेस के हवाले से। इसको 3 फेसेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेसेस फेस जो बनता है वो बनता है जहाँ पे मॉडल विला था, इस टाइम तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन मॉडल विला जिस लोकेशन के ऊपर लोकेटेड था, रोड 1 जिस तरह की स्ट्रीट 1, 2, 3 ये वाला फेस जो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो हमें पोजेशन के साथ विला मिलता है, जो हम फौरी तौर पर लेने के बाद हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिलती है, या जिस प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे विला देखने को मिलेगा, वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 70 लाख रुपये से लेकर अप टू 2 करोड़ 85-90 लाख रुपये के बिटवीन मिलता है। दूसरा फेज में जो एक सेपरेट पोर्शन बन जाता है, स्ट्रीट 15, 16, स्ट्रीट 26 इस तरह की स्ट्रीट वहाँ पे आती है, जो कि प्रीसेंट 33 के बिल्कुल साथ लोकेटेड ये वाला पोर्शन बैरिया स्पोर्ट्स सिटी विलास का है। वहाँ पे भी इस टाइम बड़ी तेज़ी के साथ फैमिली मूव होना शुरू हो गई है। वहाँ पे जो हम इस टाइम रेट देखने को मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 50, 55 और 60 लाख रुपये के बिटवीन वहाँ पे हमें यहाँ विला देखने को मिलता है। तीसरा पोर्शन इसका जो आता है, जो
पहले फेज जो स्ट्रीट 1-2 रोड 1, इसकी ऑपोजिट साइड पे हमें एक पोर्शन देखने को मिलता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था एक साल पहले 2020-21 में, लेकिन इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसके अंदर भी काम हो चुका है। बल्कि बैरिया स्पोर्ट सिटी की जो मस्जिद है वो भी उसी पोर्शन के अंदर लोकेटेड है जो कि इस टाइम ऑपरेशनल है, नमाजियों के लिए ओपन है। स्ट्रीट 33, 34, 35 से लेकर अप टू 45 रोड 15, 14 इस तरह के रोड वहाँ पे आते हैं। मीन के वहाँ पे जो अनडेवलप जो के लगता है एरिया प्रिसन 31 के विलास के साथ, वहाँ पे हमें जो रेट देखने को मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली कोई 2 करोड़ 35, 40, 45 लाख रुपए के बिटवीन वहाँ पे हमें जो अभी विदाउट की या अभी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो विला हमें देखने को मिलता है। इसके साथ जो पोर्शन स्ट्रीट 38, 39, स्ट्रीट 33 या मस्जिद की दूसरी साइड पे जो हमें स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल रेडी, और वहाँ पे फैमिलीज भी रिहाइश रखे हुए हैं, वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, वहाँ पे जो हमें अप्रोक्सीमेटली प्राइस देखने को मिलती है वो 2 करोड़ 50 से लेकर अप टू 2 करोड़ 70 लाख रुपए के बिटवीन वहाँ पे हमें रेडी विला विदाउट की विद की के साथ हमने हमें देखने को मिलता है। अब हम इनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपको बता देता हूँ कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कोई आज से 7-8 माह पहले जो रेट चला गया था उससे तकरीबन हमें को 30 से 40 लाख रुपए कम प्राइस के अंदर इस टाइम हमें बैरियर स्पोर्ट सिटी 4 कमरों का ये विलास जो है वो मिलता है बैरियर स्पोर्ट सिटी प्रीसेंट 35 के अंदर। मीन के अकोमोडेशन बहुत आउट क्लास है, 4 बेडरूम है, बहुत कुशादा रूम है, अटैच वाशरूम है, पाउडर वाशरूम, 2 किचन इसके अंदर सेपरेट दिए गए हैं, एक थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा है, एक छोटा हमें किचन देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा बैक यार्ड जो प्लस पॉइंट है, बैक यार्ड के अंदर हमें ग्रीनरी का निज़ाम देखने को मिलता है, फ्रंट में हमें ग्रीनरी का निज़ाम देखने को मिलता है, पार्किंग का बहुत वसी अरेंज है इसके अंदर। मीन के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे ये इस टाइम विला देखने को मिल रहा है, इस प्राइस के अंदर हमें वहाँ पे प्लॉट देखने को मिलते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट 500 स्क्वायर यार्ड का हमें देखने को मिलता है जिस प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे आज विला मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह ही स्टेडियम रेडी होता है, स्टेडियम जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा या जितना ज़्यादा उसके अंदर टाइम टेकिंग ज़्यादा होता जाएगा, उस तरह से ही हमें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा लेट उसको इंक्रीज़ होता हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहाँ वहाँ पे काम होता है स्टेडियम का, 1-2 साल के बाद यहाँ पे हमें 4-5 करोड़ से नीचे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाली। 4-5 करोड़ के अंदर हमें बैरियर स्पोर्ट सिटी का विला शायद ना मिले, जैसे स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी होगा या रेडी होने वाला होगा या जिस तरह से प्राइस का इंक्रीमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें 4-5 करोड़ से नीचे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है इस टाइम के, इतना मशलक कवर्ड एरिया और इतना अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ और प्रॉपर डेवलप एरिया ये वाला, और अंडर लैंड के अंदर आता है, इनके लैंड के अंदर आता है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। तो यहाँ पे हमें इस प्राइस के अंदर जो हमें नॉर्मल प्राइस हम अगर डिस्कस करते हैं तो 2 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर आपको 2 करोड़ 80-85 लाख रुपए के बिटवीन यहाँ पे हमें बैरियर स्पोर्ट सिटी का मिला देखने को मिलता है। मजीद किसी किस्म की अपडेट, कोई भी क्यूरी होती है इन विलास के हवाले से या बैरियर टाउन के रिलेटेड, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मजीद अपडेट एंड क्यूरी के लिए देखते रहें होम टाउन एसोसिएट। इसी के साथ आप अपने होस्ट मोहम्मद शबाज को इजाज़त दें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।